हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न कैडमी। तो फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि अभी खान सर की नेम को लेकर बहुत ही ज़्यादा सोशल मीडिया में कंट्रोवर्सी चल रहे हैं और बहुत सारे लोग खान सर के पीछे लग गए हैं कि खान सर का नाम फैजल खान है या अमित सिंह है। तो फ्रेंड्स, मैं आप सभी के साथ आज क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, खान सर को आप सपोर्ट करें और खान सर कौन है अगर आपको नहीं पता है तो आगे इस मेरे वीडियो में आपको बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, खान सर इंडिया की सबसे बेस्ट टीचर हैं और यूट्यूब प्लेटफॉर्म में वो एक ऐसे टीचर हैं जो इंडिविजुअली उनके चैनल, जिनका जो चैनल है खान सर जेएस रिसर्च, वो अकेले 10 मिलियन सब्सक्राइबर छूने वाले हैं। और खान सर के पीछे इतने सारे लोग लग गए हैं कि खान सर का रियल नेम क्या है, खान सर हिंदू है या मुस्लिम है। तो फ्रेंड्स, हम सभी को क्या मतलब है कि खान सर हिंदू हो या मुस्लिम है, या खान सर का नेम फैजल खान है या अमित सिंह है, तो हमें उनसे मतलब नहीं है। हम सभी स्टूडेंट्स को बस उनके समझाने का तरीका, और हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारे इंडिया में उनके तरह एक ऐसे टीचर हैं जो पूरा भारत का एक एक चीज और एक एक टॉपिक इस तरीक़े से वो निकाल कर अपने चैनल में हम सभी को सिखाते हैं, और हम सब उनके तरह टीचर एक गॉड गिफ्टेड है। और एक बात, आपको खास बात आपको खान सर की मैं बता दूँ, खान सर की जो यूट्यूब चैनल है खान सर जेएस रिसर्च, उनके चैनल में एक भी ऐड नहीं आते हैं। मतलब वो यूट्यूब पे अपने चैनल पे ऐड रन नहीं करते हैं। इसके साथ साथ कभी भी अगर वो वीडियो स्टार्ट भी करते हैं या ख़त्म भी करते हैं तो कभी अपने चैनल पे उन्होंने ये नहीं कहा है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। वो बस आते हैं, अपना टॉपिक से मतलब रखते हैं, हम सभी आप सभी स्टूडेंट को समझाते हैं और वो चले जाते हैं। इसके साथ साथ और एक बात बता दूँ फ्रेंड, खान सर की पटना में जो उनकी कोचिंग सेंटर है, वो बच्चों को इतने बेहतरीन तरीके से समझाते हैं। उनकी एक एक बैच में स्टूडेंट 5000 से 6000 स्टूडेंट पढ़ते हैं और पटना में सबसे चीफेस्ट रेट में वो पढ़ाते हैं अपने स्टूडेंट्स को। तो फ्रेंड्स, और एक बात आपको बता दूं, जो आर एस अग्रवाल की बुक होते हैं या एस चंद की जो बुक होते हैं, ये दोनों पब्लिशर की बुक होते हैं, हमें तो बस आज तक इन्हें पढ़ने से ही मतलब रखे हर स्टूडेंट। तो हमें इनकी पूरे बुक की नाम जानने की तो कभी कोशिश भी नहीं किए हैं, या आप गूगल भी कर लीजिए तो आपको ये दोनों पब्लिशर का फुल नेम नहीं मिलने वाला। तो वैसे ही हमें खान सर की नेम से क्या मतलब है। खान सर एक ऐसे सर हैं जो इंडिया की डिफ़िकल्ट टॉपिक निकालते हैं और अपने देसी स्टाइल में और एक फनीएस्ट वे में हम सभी स्टूडेंट्स को और लाखों करोड़ों टीचर्स उनकी चैनल को, उस वीडियो को वॉच करते हैं और समझते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप सर को जाके सपोर्ट कीजिए। सर ने जो कल लास्ट वीडियो अपलोड किया था अपने चैनल पे, वो वीडियो का लिंक मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। आप जाइए उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना सपोर्ट सर को दीजिए और सर को सपोर्ट कीजिए। जिस तरह से सर ने कहा उस वीडियो में कि वो उनका आखिरी वीडियो होगा, तो ऐसे मत करने दीजिए। हम सबको सर का साथ रहना है। और खान सर, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको मेरी तरफ से एक छोटा सा मैसेज है कि सर, आपसे मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, ये मेरे तरफ से आपको मैसेज है कि सर, आपकी जो 10 मिलियंस के जो सब्सक्राइबर बने हैं यूट्यूब पे, ये इनमें से सारे ही आपकी चाहने वाले स्टूडेंट्स हैं सर। तो आप ये चाहने वाले स्टूडेंट्स को आप हर्ट मत कीजिए। भले ही आप YouTube को अगर छोड़ देंगे, आपके चाहने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो आपको बहुत ही ज़्यादा मिस करेंगे, इसमें मैं भी इंक्लूड हूँ, और इसके साथ साथ लाखों करोड़ों स्टूडेंट्स हैं आपके साथ। लेकिन आप जिसके लिए, जो आपके हेटर्स हैं, अगर आप चैनल को रिमूव कर देते हैं तो आपके हेटर्स खुश हो जाएंगे। उस किसी में सर आप गिव अप मत कीजिए, आपके साथ 10 मिलियंस आपके स्टूडेंट्स साथ हैं। तो सर आपको फुल सपोर्ट है, आप अपना काम को कंटिन्यू रखिए। आपको आपकी तरह टीचर हमें इंडिया में कहीं नहीं मिलने वाले हैं, ये हम सभी को पता है। तो बेस्ट ऑफ लक सर अपने।